हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला में। हम जो रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसी का नंबर सिस्टम का पार्ट थर्ड लेके आए हैं। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सीधा, हाँ ये क्या कह रहा है, 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं, मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है। हमने क्या किया, 30 मीटर एक लॉन्ग कपड़ा है तो उससे 225 सेंटीमीटर माप के 12 टुकड़े काट दी, तो फिर वो कितना बचा, जो बचा वो कितना बचा, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो देखो 225 है, इसके कितने 12 टुकड़े, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 पंजे 60, 6 24, 30, 3 24 और 3 27, तो 2700 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन ये हमारे पास कितना है, 30 मीटर, 30 मीटर मतलब 3000 इंटू 100 कर दूंगा सेंटीमीटर में करने के लिए, तो 3000 सेंटीमीटर हो गया। 3000 में से 2700 सेंटीमीटर तो दे दिया, तो बचा कितना शेष, रिमाइंडर पूछा है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। तो देखो 300 पार्ट बचा और टोटल कितना था 3000, तो 00 से 00 गया 1/10, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10 पार्ट रिमेनिंग बचा है उसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई डिजिट है, कोई भी संख्या है, उसमें से उसी का 1/7 घटाते हैं तो उस संख्या जो जो डिजिट है उसमें से 30 हमें कम मिलता है, तो वो नंबर डिजिट फाइंड करो। देखो बेसिक से करवाता हूँ ये क्वेश्चन। देखो मैंने मान लिया जैसे वो संख्या थी एक्स, उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, उसका 1/7 पार्ट मतलब एक्स 7 पार्ट माइनस करता हूँ, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है उससे कितना है, जो जो संख्या है उसका 30 कम प्राप्त होता है, ये इस क्वेश्चन ने कहा है। यहाँ तक समझ लो, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 7 × 7 सेवन एक्स माइनस एक्स अपन नीचे 7 रहेगा इजिकल्स टू एक्स माइनस 30। ठीक है, अब ये 7 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, इधर क्या पड़ा है 7x में से एक चला गया तो 6x बचा इजिकल्स टू, इधर ये हो जाएगा 7x माइनस 30 से 7 मल्टीप्लाई होगा 210। ठीक है, ये 7x इधर आएगा तो 6x प्लस का है और माइनस, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो माइनस का x इजिकल्स टू माइनस का 210 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 210, मतलब वो संख्या कितनी थी 210 थी। और वैसे हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी उठा के कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे, देखो जैसे 210 राइट ऑप्शन, 210 का 1/7 कितना हो गया 30 हो गया, मतलब क्या हो रहा है 30 कम है ना उस डिजिट संख्या से, तो 30 तो कम बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनका वर्गों का योग, तो मतलब टू का मल्टीपल्स है, टू डिजिट है, जैसे मैं मान लेता हूँ एक्स एंड वाई, एक्स एंड टू वाई, इनका मल्टीपल दे रखा है 24 और इनका स्क्वायर्स का सम, इनका स्क्वायर का सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल्स टू मुझे दे रखा है 52, ये दे रखा है, तो इनका सम फाइंड करना है, एक्स प्लस वाई फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो अगर मैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करता हूँ तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 52 दे रखी है, प्लस 2 और एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 24, तो हमारे पास ये कितना हो गया 24 × 2 = 48 और ये 52, इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ गया 100 आ गया मेरे पास। वो इधर क्या है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, लेकिन मुझे तो एक्स प्लस वाई चाहिए, तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा रूट, 100 किसका रूट होता है 10, तो इन दोनों का सम कितना होगा, एक्स प्लस वाई का सम कितना होगा 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे, यदि एक संख्या से 5 गुने में से 10 घटाया जाता है, इफ़ द 10 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 5 टाइम्स ए नंबर, एक कोई नंबर है उसमें से 5 टाइम करके उसमें से 10 में माइनस कर देता हूँ, फिर क्या है वो संख्या के 4 गुने 4 टाइम्स के 8 जोड़ देता हूँ, मतलब 4 टाइम्स को 8 ऐड कर देता हूँ। देखो मैं मान लेता हूँ वो डिजिट हो गई x मान ली, ठीक है, तो x का 5 टाइम करके उसमें से मैं 10 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ और उसमें से 4 टाइम करके उसमें 8 जोड़ देता हूँ, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, ये क्वेश्चन ने कहा है, तो ये 4x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 4x प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा कितना 1x, ये 8 है, ये माइनस का 10 इधर जाएगा तो प्लस का 10, 8 प्लस 10 तो कितनी होगी 18, तो x की वैल्यू कितनी होगी 18, तो वो नंबर क्या होगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, दो संख्या का योग 22 से एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, इन दोनों में से बड़ी संख्या बताएं। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, आ जाओ देखो, एक्स प्लस वाई बराबर 22 दे रखा है, फिर इसने क्या कह दिया, एक का 5 टाइम्स दूसरी संख्या के 6 टाइम के बराबर है, तो एक्स की जीगस टू कितना हो जाएगा, 6/y/5। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ एक्स की वैल्यू यहाँ से, तो 6y/5+y=22। इसको ये करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये 5 होंगे तो 11y/5 आ जाएगा =22। ये 5 नीचे से ऊपर चला जाएगा, इसके मल्टीपल में चला जाएगा, और हमें चाहिए ओनली 11 वाई की वैल्यू, तो वाई आ गया नीचे, 11 × 2 = 22। तो मतलब एक संख्या कितनी हो गई, 5 × 2 = 10। अगर एक संख्या 10 है, दोनों का सम 22 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 12 होगी, सीधी सी बात, तो बड़ी संख्या पूछी थी, तो 12, 12 और 10 22 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ देखो, ये क्वेश्चन बोल रहा, जब किसी संख्या के 8 गुना में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, तो द व्हेन द फोर एडेड ए टाइम ए नंबर द रिजल्ट ऑब्टेंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द 3 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द 3 डिजिट कितना होता है, 100, सबसे स्मॉलेस्ट 100 होता है। अब क्या कह रहा है कि 8 टाइम्स ऑफ, मान लिया मैंने कोई नंबर था वो एक्स था, तो 8x अगर मैं उसमें 4 ऐड करता हूँ तो सबसे छोटी 3 डिजिट नंबर मिलती है, तो इससे 8x = कितना हो जाएगा, ये 4 प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 100 - 4 मतलब 96, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 × 8 8 × 2 = 16, मतलब एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 12, मतलब 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है, मतलब एक एक आता है, तो मैं मान लेता हूँ एक्स है, उसमें मैं 13/5 जोड़ता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आता है 1, तो x = क्या हो जाएगा, 1, ये प्लस का है उस साइड जाएगा तो माइनस का, 13/5 5, तो एलसीएम आएगा 5 - 13/5, तो 13 में से 5 चलेगी तो माइनस के 8/5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 1/6 + 1/12 + 1/20 = 156 तक है, तो इसका सम फाइंड करना है, तो देखो कैसे करेंगे, 1/6 को मैं क्या लिख दूँ, 1/2 × 3 लिख दूँ, प्लस इसको क्या लिख दूँ, 3 × 4 12 को, प्लस 20 को क्या लिखूँगा, 1/4/5 डेढ़ 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 चल के इसको मैं लिख दूँगा 7 × 8 7 × 8 = 56, ये से सीरीज चल रही है 2 3 3 4, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1/2 - 1/3 यही आएगा, 1/6 आएगा, प्लस 1/3 - 1/4 ऐसे डे डे चलता रहेगा, तो 1/7 - 1/8 आएगा, तो ये क्या होगा, प्लस ये माइनस का प्लस का माइनस का प्लस का ये सब कट जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, 1/2 - 1/8 बचेगा, तो इनका एलसीएम आएगा 8 2 4 8 - 1, तो कितना हो जाएगा, 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, शालिनी, तनवीर और राशि ने एक एक को साझा किया, मतलब साझा किया, शालिनी के पास इसका 1/6 भाग था, तनवीर के पास 1/4 पार्ट था, और शेष भाग राशि थे, तो देखो इसको कैसे कहेंगे, 1/6 था किसके पास, शालिनी के पास, और तनवीर के पास कितना था, 1/4 पार्ट, और बचा कितना, तो देखो कैसे करेंगे, ये नीचे वाले जो डिजिट्स है ना, इनका एलसीएम लेगा तो 24 हो गया, 24 हो गया, 1/6 1/6 मतलब 6 × 24 मतलब 4 पार्ट इसके पास था, 1/4 मतलब 4 × 6 = 20 मतलब 6 पार्ट इसके पास था, टोटल 24 है हमारे पास, तो 6 और 4 तो इन दोनों ने ले लिया, बचा कितना, 14, बचा 14 कितने में से, 24 में से, टोटल 24 था, बचा किसके पास, बचेगा राशि दी तो रहेगा वो जो भी बचा हुआ पार्ट, तो इसका हो जाएगा 7/12, तो राशिद के पास जो बचा हुआ भाग रहेगा 7/12। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, दो संख्याओं का योग 9 है, x + y = 9 है, और उनका व्युत्क्रम होगा 1/x + 1/y = 1/2 है, तो उनमें से एक नंबर बताओ, तो देखो इसको करेंगे सोल्व, तो एक्स वाई आएगा एलसीएम, इधर y + x = 1/2,
ठीक है, वाई प्लस एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9 दे रखी है, 9 अपॉन एक्स वाई इजिकस टू 1 अपॉन 2, तो 9 2 18 इजिकस टू एक्स वाई, देख लो प्लस करने पर आना चाहिए 9 और मल्टीप्लाई करने पर 18, तो क्या होता है 6 और 3, 6 3 18 और 6 और 3 9, तो मतलब कौन सा इनमें ऑप्शन 6 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्कूल में 200 स्टूडेंट है, 7/10 क्या है, लड़के हैं, तो स्कूल में लड़कियों की संख्या बतानी है, गर्ल्स की बतानी है, 7/10 क्या है, बॉयस है, टोटल कितने हैं, 200 है। ये जो नीचे वाला होता है ना 7/10, ये टोटल को डिनोट करता है, तो 7/10 में से 7 अगर बॉयस है तो गर्ल्स कितनी बची, 3/10 कर जाएगा, 20 × 3 = 60, मतलब बॉयज़ कितने हो जाएंगे क्लास में, 60। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 26, उनका डिफरेंस है 12, तो उनके वर्गों का अंतर, मतलब इनको स्क्वायर का डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखो, मैं दो नंबर मान लूँ एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई, इन संख्याओं का योग कितना 26 है, एक्स माइनस वाई, मतलब इनका डिफरेंस दे रखा कितना 12, इससे ये दोनों कट जाएंगे, तो 2x = कितना बचेगा मेरे पास, ये हो जाएंगे 38, ये 12 है तो 2 से ये 19, तो x बराबर कितना हो जाएगा 19, मतलब x अगर 19 है, y प्लस 7 7 होगा, y की वैल्यू 7 होगी, तभी तो दोनों मिलके 26 हो जाएंगे, तो x और y की वैल्यू आ जाएगी 19 और 7, तो हमें फाइंड करना है इनके स्क्वायर का, तो 19 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 49, 19 का 361 माइनस करूँगा तो 312 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है तथा एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो देखो, दो संख्या, एक 12 है और दूसरी मैंने मान ली एक्स है, इनके योग 12 प्लस एक्स का 3 गुना है, तो मैं क्या कर दूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो दूसरी संख्या फाइंड करो, तो 12x इजिकल्स टू ये 300 मल्टीप्लाई 36 प्लस 3x, ये प्लस का 3x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, 12 में से 3x गया तो 9x इजिकल्स टू 36, तो 36 अपॉन 9 हो जाएगा हमारे पास, 9 4 36, 4 आएगा, x की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, यदि दो अंकों का योग 15 है और उनका अंतर 3 हो तो वह अंक होंगे, तो देखो एक्स प्लस वाई जिकस टू 15, मैं दो अंक मान लेता हूँ एक्स और वाई, और उनका डिफरेंस एक्स माइनस वाई जिकस टू कितना 3 दे रखा है, तो 2x = 15 और 3 18 हो जाएगा, तो एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा 2, इसके डिवाइड में चला जाएगा 9, एक 9 होगा तो ये 9 और 6 15, दूसरा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या कह रहा है, 3 क्रमागत सम संख्या हो, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, ठीक है, इज 42, तो फाइंड द मिडिल नंबर, तो मैं मान लेता हूँ देखो एक एक्स है तो दूसरा एक्स प्लस 2 होगा और तीसरे क्या हो गया एक्स प्लस 4 होगा, इवन नंबर है तो 2 2 का गैप चलेगा, तो इनका सम देखो एक्स और एक्स और एक्स 3x प्लस 4 और 2 6 = कितना दे रखा है 42, देन एक्स 3x = 42, इसमें से माइनस हो जाएगा, प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 46 में तो 36 बचे, ये 3 इसके मल्टीपल में तो डिवाइड में जाएगा, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो क्या हो जाएगा 12, लेकिन हमें तो मिडिल टर्म पूछा है, तो 12 और 2 14 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप आराम से समझो, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो दो दो है, एम और एन ने एक कार खरीदी, एम ने बतौर अपने हिस्से का लागत का 3/7 दिया, तो क्या 3/7 दे दिया, तो ये जो 7 जो नीचे डिनोमेटर है ना, ये टोटल लागत को डिनोट कर रहा है, ठीक है, और भुगतान किया, तो एम ने एन की तुलना में 1 रुपये, तो देखो 3/7 कितने दिया, एम ने दिया, तो एन ने कितना दिया, एन ने कितना दिया 3/7, ठीक है 4/7 दिया होगा भाई, 3 इसने दिया, टोटल 7 है, तो 4/7 दिया, इन दोनों का डिफरेंस कितना 1 है, जो 1 की जो वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है 31,540, मतलब इन दोनों का बीच का डिफरेंस दे रखा ना, एम गेव 31,540 लेस देन एन, मतलब एन से इतना इसने कम दिए, ठीक है एम ने,
हमें फाइंड करना टोटल, तो इंटू में 7 कर दूंगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22,20,780। मल्टीप्लाई कर लो 0 7 4 28 का 8 2 7 5 35 36 37 3 7 और 3 10 1 7 21 22, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी पिज्जा के 2/3 का भाग मूल्य 300 रुपये, तो 3/5 भाग का मूल्य, मतलब 3/5 पार्ट का रेट पता नहीं। देखो 2/3 एक्स इजिकल्स टू कितना है 300, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल का कितना हो जाएगा 300। ये 3 इसका ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास नीचे। अब हमें कितना पूछा, 3/5 पार्ट पूछा, तो इंटू कर देंगे 3/5। ठीक है, तो देखो इसको काट लो, 5 10 हो गए, 5 2 10 10 0 से 10 गए, 3 3 9 9 3 27 और 10 का 10, तो 270 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ देखो, जब प्लाईवुड के 0.23 सेमी मोटाई वाले 472 टुकड़े 472 पीस हैं, एक के ऊपर एक रखते हैं, तो मतलब एक के ऊपर ऐसे एक ये ऐसे रख रहे हैं, तो इस प्रकार बने स्तंभ की ऊंचाई, मतलब ये जो हाइट बनेगी वो बतानी है। तो देखो 472 पीस है, इंच कितने का है, 0.23 सेंटीमीटर का है, लेकिन हमें मीटर में बताना है। ये है हमारे पास सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करने के लिए हमें 100 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.0856। बट 2 डिजिट और नीचे वाले तो 4 डिजिट के बाद में पॉइंट आ जाएगा, हमारी टोटल वैल्यू ये वाली आएगी इसमें। ठीक है, 4 डिजिट के बाद में पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ देखो, ये बोल रहे 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब डिविजिबल हो जाए 49 से। तो देखो 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 9999 होगी, इसमें 49 का डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार चला जाएगा 98 1909, तो ये हम अब यहाँ पे चला जाएगा 4 टाइम्स 4 टाइम, तो 196। ठीक है, तो बचा कितना 3, तो ये 3 में अगर मैं माइनस कर दूँ 999 से, तो ये क्या होगी, टोटली डिविजिबल हो जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9996 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या याद कीजिए जो इनसे पूर्णतः विभाजित होता है, तो इनका हम ले लेंगे एलसीएम 27 18 15 और 22 12 का, इनका एलसीएम लेगा तो आएगा हमारे पास एलसीएम 540 को अब डिविजिबल कर दो 4 डिजिट 1 2 3 4 डिवाइड करो, तो देखो फर्स्ट टाइम करेंगे 540, बचेगा कितना 9 5 4, वापस 9 उतारेंगे तो ये हमारे पास चला जाएगा कितनी बार, 8 बार, तो आ जाएगा हमारे पास 4320। इधर लिख देता हूँ 4320। तो देखो फिर क्या करेंगे, जैसे 4599 था, उसमें से मैं क्या कर देता हूँ 4320 आया, इसको मैं माइनस करता तो 279 आएगा, ये जो 279 क्या रिमाइंडर बच रहा है, हमें रिमाइंडर बचाना नहीं है, टोटली डिविजिबल करना है, तो 9999 में से मैं 279 को माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास आंसर आएगा 9720। ये हमारे सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।